आप जानना चाहते हैं कि कैसे प्रोस्टेट की समस्या को प्राकृतिक तरीके से ठीक कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में मैं डॉक्टर संगीता प्रसाद आपको बताऊंगी कुछ घरेलू उपाय और व्यायाम जिनसे आपकी प्रोस्टेट की समस्या को हल करने में मदद मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संगीता प्रसाद, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हमारे पिछले वीडियो में हमने प्रोस्टेट की समस्या के बारे में कुछ प्रभावी एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में सीखा था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसे जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं घरेलू उपाय। पहला है पंपकिन सीड या कद्दू के बीज। कद्दू के बीज जिंक से भरपूर होते हैं जो प्रोस्टेट के आकार को नियंत्रित करने और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। तो रोजाना एक मुट्ठी पंपकिन सीड खाना शुरू करें। दूसरा है ग्रीन टी। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और प्रोस्टेट के स्वास्थ्य में सुधार लाती है और कैंसर के खतरे को भी कम करती है। तो रोजाना 1 से 2 कप ग्रीन टी लेना शुरू करें। तीसरा है टमाटो जूस या टमाटर का रस। टमाटर में लाइकोपिन होता है जो प्रोस्टेट के समस्याओं को हल करने में मदद करता है, तो ताजे टमाटर का रस पीना फायदेमंद साबित हो सकता है। चौथा है वार्म सिट्स बाथ। गर्म पानी में बैठने से प्रोस्टेट की सूजन और दर्द में राहत मिलती है, तो रोज 10 से 15 मिनट के लिए हॉट सिट्स बाथ लें। पांचवा है फ्लैक्स सीड या अलसी के बीज। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं जो प्रोस्टेट की सूजन को कम करने में मदद करते हैं, तो इसे अपने दैनिक आहार में शामिल करें। छठा है हाइड्रेशन। आप दिन भर में भरपूर मात्रा में पानी पिए जो शरीर से टॉक्सिन को फ्लश आउट करने और यूरिन के फंक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। एक्सरसाइज। पहला है केगल एक्सरसाइज। यह व्यायाम पेल्विक मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है जिससे यूरिन की समस्या और प्रोस्टेट की समस्याओं में सुधार होता है। तो दिन में 3 से 4 बार केगल व्यायाम 10-10 बार करें। केगल व्यायाम कैसे करें? मूत्र धारा को रोकने जैसा महसूस करें और उन मांसपेशियों को 5 से 10 सेकंड के लिए सिकोड़ कर रखें और फिर धीरे धीरे छोड़ें और फिर इसे बार बार दोहराएं। दूसरा है वॉकिंग। हर रोज कम से कम 30 मिनट की वॉक प्रोस्टेट के स्वास्थ्य में सुधार करती है और सूजन को भी कम करती है। चलने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और तनाव भी कम होता है। तीसरा है पेल्विक स्ट्रेचिंग। पेल्विक क्षेत्र की मांसपेशियों को स्ट्रेच करने से प्रोस्टेट पर दबाव कम होता है और लचीलेपन में भी सुधार आता है। पेल्विक स्ट्रेचिंग कैसे करें? पहले आप सीधे खड़े हो जाएं और एक पैर को पीछे की ओर खींचे और धीरे धीरे पेल्विक मांसपेशियों को स्ट्रेच करें। इसे दोनों पैरों पे 10 से 15 बार दोहराएं। चौथा है स्क्वाट। स्क्वाट से पेल्विक और निचले हिस्से की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तो हर दिन 10 से 15 बार स्क्वाट्स करें। पांचवा है योगा। प्रोस्टेट की समस्या को दूर करने के लिए योग के कुछ आसन फायदेमंद होते हैं, जैसे विपरीत करनी और पवन मुक्त आसन। योगा से शरीर का संतुलन बनता है और मांसपेशियों में लचीलापन आता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ व्यायाम और घरेलू उपाय जो प्रोस्टेट की समस्या को कम करने में मदद कर सकते हैं। ध्यान रखें, लगातार प्रयास और सही दिनचर्या ही आपके स्वास्थ्य में सुधार ला सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही बेहतरीन टिप्स और भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल डॉक्टर संगीता प्रसाद को फ्री में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, खुशियों का खजाना लुटाते रहें, यूं ही मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें। हैप्पी हीलिंग।